हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे ओलियंडर यानी कनेर के बारे में। तो आज इसे पूरी जानकारी देंगे आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो ये मेरे पास दो कनेर हैं, एक तो पिंक है एक पीच है। तो ये दो कलर हैं मेरे पास। तो इनकी देखभाल कुछ ख़ास नहीं होती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इनको। और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं आपके यहाँ। तो इनके लिए आप देख पाएंगे कि मैं मिट्टी जो बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैंने वो मिलाया था, जो दिख पा रहा होगा आपको, इस टाइप से जो रेत आती है हमारे घर के काम में, वो थोड़ी सी मैंने मिला दी थी और वही गोबर की खाद। तो ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है और वो करीब 5 साल पुराना प्लांट है। और मेरे पास एक और भी है जिसे मैंने अभी कटिंग से लगाया है। तो ये जो आप देख रहे होंगे रोड साइड होता है, तो इसका ये जो टॉल वैरायटी है, तो मैं लेके आई थी इसे, मैंने अक्टूबर में इसे कटिंग से ग्रो करा था। तो ये इस कंडीशन में है अभी, आप ला के लगा सकते हैं अच्छे से। तो इसकी अगर कटिंग आपको लगानी है तो आप ये करें, इस टाइप की एक टहनी को कट कर लें यहाँ से और इसे नॉर्मल मिट्टी में लगा दें, आसानी से चल जाएगा। हम बात करेंगे इसकी देखभाल के बारे में। तो इसकी देखभाल में आप इसको NPK दे दें, अगर 12 इंची पोट है तो 1 चम्मच डाल दें, बाकी 6 मंथ तक इसमें कुछ भी नहीं डालना है और ऐसी फ्लावरिंग आपकी आएगी। और ये रोड साइड आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये नर्सरी से ही आपको लाना पड़ेगा। कटिंग से भी मिल जाएगा अगर किसी के घर में है तो, बाकी नहीं तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो मैं तो इन दोनों को लेके आई थी, तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। बात करते हैं इसकी खाद की। तो जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें NPK, इसे पोटास ज़्यादा चाहिए होता क्योंकि इसमें फूलों की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए तो पोटास भी डाल सकते हैं आप। और बैलेंस करने के लिए NPK ही डालते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऑर्गेनिक जाते हैं तो या इसमें प्याज के छिलकों से बनाई हुई खाद वो भी डाल सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। बाकी ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, लेकिन जो देसी वैरायटी है वो ज़्यादा होती है, ये हाइब्रिड वैरायटी है ये थोड़ी कम होती है। तो इससे कोई आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं। अगर आप सेंसिटिव स्किन के हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना ये ज़्यादा परेशान करता नहीं है, अच्छे से लगा सकते हैं इसको। तो दूसरी बात ये है कि इसको रिपोर्ट आपको हर साल बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आप एक बार लगा देंगे तो कम से कम 3-4 साल तक आराम से चल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब से मैंने लगाया है तो ये अभी तक रूट बाउंड नहीं हुआ है। इसकी इस जगह से आप पता कर सकते हैं ये कितना ठीक हो गया, नीचे से मैंने कट करा था। तो कटिंग करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि प्लांट इधर उधर ये फैल जाता है, तो इसे सेब में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, हल्की हल्की सी की थी और नीचे से थोड़ा ज़्यादा कट कर दिया था। उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट इसमें स्प्रे कर दिया था और इसमें थोड़ा सा नीचे जड़ में भी डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी इसमें आप DAP भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो डाल के। और लगाना चाहते हैं तो अभी ला सकते हैं, इसका सीज़न ये चल रहा है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा आपके घर में, जैसे कि हमारे यहाँ कर रहा है। तो ढेरों फूल आएंगे आपके घर में इस तरीके से करेंगे। और आपको ज़्यादा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर तरीके से इसमें पानी डालते रहें। और ये पानी भी थोड़ा कम ही लेता है, ज़्यादा पानी इसको ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं आप जाना चाहते हैं तो भी ये चलता रहेगा आपके लिए। और जो न्यू प्लांटर लाएंगे, जो नए लोग हैं, जो बिगनर हैं, वो इसको लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। मेरे को तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है क्योंकि ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। और इसमें किसी तरीके का कोई पेस्ट आता ही नहीं है, मैंने जब से लगाया है हमारे यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं आया है, कोई कीड़ा नहीं आया है। तो इसे इसकी टाइप की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो, आपको इतनी मेरी जानकारी कनेर के बारे में कैसी लगी
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कि नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।